हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू दी चैनल लास्ट मिनट रिविजन विद आर एस एम एंड टू वी आर गोइंग टू हैव डिस्कशन ऑन पार्ट टू ऑफ एस आबीम सेमिस्टर थ्री अकाउंटेंस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एम सी क्यूस विच वी आर गोइंग टू रिवाइज टूडे और उसके साथ हम काफ़ी सारे कंसेप्ट को रिवाइज करने वाले हैं तो इसके पहले मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाला था सेमेस्टर तो थ्री के लिए पार्ट वन के बेसिस पे अगर आपने वो नहीं देखा तो वो भी चेक कर ले काफ़ी सारे कंसेप्ट आपके उसमें से रिवाइज होने वाले हैं तो क्वेश्चन नंबर वन इज पार्टनर्स लोन इज कंसिडर्ड एज इंटरनल लाइबिलिटी एक्सटर्नल लाइबिलिटी सिक्योर्ड लोन या अनसिक्योर्ड लोन दो पार्टनर्स लोन देर आर टू टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी इंटरनल लाइबिलिटी एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटी इंटरनल लाइबिलिटी मतलब जो भी लाइबिलिटी पार्टनर से रिलेटेड होगा उसको हम इंटरनल लाइबिलिटी के बेसिस पे बोलते हैं और एक्सटर्नल लाइबिलिटी इज नथिंग बट आउटसाइडर्स लाइबिलिटी विच इंक्लूड्स क्रेडिटर्स बिल्स पेबल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस तो पार्टनर्स के बारे में यहाँ पे बात की गई है कि पार्टनर्स लोन कौन से लाइबिलिटी होती है तो दैट इज इंटरनल तो की is करने वाले उसे क्या कहा जाएगा अमाल डिस्ट्रीब्यूशन इंस्टॉलमेंट पेमेंट या इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग तो जो भी हम इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करने वाले हैं उसे कहा जाएगा पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन बिकॉज पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ही होता है पेइंग इन इंस्टॉलमेंट्स पेइंग इन पीसेस पेइंग इन इंस्टॉलमेंट्स दैट इज वाई द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन नंबर थर्ड एक्सेस कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज तो हमने पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत सारे मेथड्स जो है एक्चुअली दो मेथड्स है उसमें से एक ही मेथड आपके सिलेबस में है एक होता है एक्सेस कैपिटल दूसरा होता है मैक्सिमम लॉस मेथड तो एक्सेस कैपिटल को क्या कहा जाता है एक्सेस कैपिटल के डिफरेंट डिफरेंट नाम्स हैं सरप्लस कैपिटल मेथड प्रपोर्शन कैपिटल मेथड हाइएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड या ऑल ऑफ दी अबव तो एक्सेस कैपिटल को कहा जाता है ऑल ऑफ दी अबव बिकॉज एक्सेस कैपिटल के डिफरेंट डिफरेंट नाम्स है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सरप्लस कैपिटल प्रपोर्शन कैपिटल या हाइएस्ट रिलेटिव कैपिटल फोर्थ पॉइंट देखते हैं प्रोविडेंट फंड इज ट्रीटेड एज सिक्योर्ड लोन अनसिक्योर्ड लोन प्रेफरेंशियल लाइबिलिटी या करंट असेट तो प्रोविडेंट फंड जो है दैट इज बीन ट्रीटेड एज प्रेफरेंशियल लाइबिलिटी तो प्रोविडेंट फंड को हम प्रेफरेंशियल लाइबिलिटी कंसिडर करते हैं द अमाउंट विच आर अनपेड टू पार्टनर्स रिप्रेजेंट्स तो पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन में जो लास्ट में पार्टनर्स को पेमेंट होता है उसके बेसिस पे सारे के सारे रियलाइजेशंस होने के बाद दो पार्टनर्स के कॉलम में अमाउंट बचता है उसे हम क्या कहते हैं अनपेड अमाउंट अगर रहेगी तो उसे हम क्या करते हैं प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन लॉस ऑन रियलाइजेशन ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट तो दैट अमाउंट विच इज़ अनपेड टू द पार्टनर्स एट द एंड इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज लॉस ऑन रियलाइजेशन अगर हम उन्हें ज्यादा पेमेंट करेंगे एक्सेस पेमेंट करेंगे तो दैट इज कॉल्ड एज प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन और अगर हम उनको कम पेमेंट करेंगे या उनका बैलेंस पेमेंट नहीं होगा तो दैट इज कॉल्ड एज लॉस ऑन रियलाइजेशन क्वेश्चन नंबर सिक्स इंटरनल लाइबिलिटीज आर लाइबिलिटीज ड्यू टू तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था इंटरनल लाइबिलिटीज मतलब ऐसी लाइबिलिटीज जो पार्टनर से रिलेटेड है गवर्नमेंट बैंक लोन पार्टनर्स वर्कर्स राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज पार्टनर्स नेक्स्ट इज असेट्स एंड लाइबिलिटीज आर ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट एट तो रियलाइजेशन अकाउंट जो अमाल गमेशन का पार्ट है उसमें असेट्स और लाइबिलिटीज जो ट्रांसफर होते हैं वो कॉस्ट प्राइस में होते हैं बुक वैल्यू पे मार्केट वैल्यू पे या एग्रिड वैल्यू पे ध्यान रखना रियलाइजेशन अकाउंटिंग में जो रियलाइजेशन अकाउंट है उसमें जो भी चीज़ें ट्रांसफर होती है वो सारी की सारी बुक वैल्यू पे ट्रांसफर होती है बुक वैल्यू का मतलब ऐसी वैल्यू जो आपके बैलेंस शीट के असेट साइड में या लाइबिलिटी साइड में ऑलरेडी रिकॉर्ड करके रखी है दैट इज कॉल्ड बुक वैल्यू क्वेश्चन नंबर एट एक्सेस ऑफ क्रेडिट ओवर डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट इसका मतलब क्या है कि आपकी क्रेडिट साइड की अमाउंट बड़ी है और डेबिट साइड की अमाउंट कम है अगर क्रेडिट साइड की अमाउंट बड़ी है तो हम क्रेडिट साइड का टोटल दोनों साइड लिख के डेबिट साइड की अमाउंट को माइनस करते हैं उसे क्या कहा कहते हैं दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन लॉस ऑन रियलाइजेशन नो प्रॉफिट नो लॉस या नन ऑफ द अबाउ तो ऐसे पॉइंट को कहा जाएगा जहाँ क्रेडिट की वैल्यू बड़ी है इट इज़ कॉल्ड प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन जो हमें रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में मिलेगा और उसे हम फिर आगे ट्रांसफर करेंगे नेक्स्ट पॉइंट इज डिजोल्यूशन एक्सपेंसेज आर डेबिटेड टू तो डिजोल्यूशन एक्सपेंस डेबिट होते हैं कैश अकाउंट 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 कैपिटल रियलाइजेशन या ट्रेडिंग अकाउंट तो डिजोल्यूशन हैं रियलाइजेशन अकाउंटिंग में रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर इसका जर्नल एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट तो रियलाइजेशन अकाउंट में ये डेबिट होता है विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज रिलेटेड विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टैंडर्डीन फोर्टीन थ्री या इलेवन तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्टीन जो है दैट इज़ रिलेटेड विद इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फोर्टीन इज रिलेटेड विद अमालगमेशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थ्री इज रिलेटेड विद कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इलेवन इज रिलेटेड विद फॉरन करेंसी ट्रांजेक्शन तो यहाँ पे अमालगमेशन की बात की है तो इसका राइट आंसर बनेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फोर्टीन तो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा है तो लाइक करें अपने फ्रेंड्स पे शेयर करें और पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कर ले अभी ताकि अगली बार जो वीडियो आएगा तब तो आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिलेगा थैंक यू वेरी मच फ्रॉम दिस सेशन टिल देन एज ऑलवेज वर्क हार्डर बी स्मार्टर